हे गाइस, दिस इज आर्यन सोनी। सो आज मेरा मेरे हॉस्टल में लास्ट डे है। अभी तो टाइम 9 बज रहे हैं रात के। मैं खाना वगैरह खा के आ चुका हूँ और बस पैकिंग वगैरह स्टार्ट करनी है। कल शिफ्ट हो रहा हूँ मैं अपने नए हॉस्टल में जो कि बाहर है। अभी मैं कैंपस के हॉस्टल में, मेरा आखिरी दिन है। तो इसी के बस मैंने कहा है आज रिव्यू करते हैं हॉस्टल का भी, और सभी लोग जा रहे हैं तो कैसा फील होता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, आज आपको बताऊंगा। सो अभी काफ़ी सारी पैकिंग करनी बाकी रह गई है, मतलब की ही नहीं है, शुरू करनी है। ये देखिए कितना सारा सामान है, ये वहाँ के कपड़े कवर्ड में डले हैं, यहाँ पे रैक में भी हैं काफ़ी सारी चीज़ें, और ये बेड पे मेरा तो बहुत सारा सामान पड़ा है। तो ये सब को पैक करना है, ऊपर से बैग निकालूंगा। बैग कहाँ है? ये रहा बैग। ये बैग को निकालना है, इसको पैक करूंगा और फिर बस पैकिंग वगैरह स्टार्ट करनी है। कल शिफ्ट करना है यार, मिस करूंगा ये चीज़ें, ये हॉस्टल मिस करूंगा। तो आदित्य, आज आखिरी दिन है, आखिरी डे है, कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा है, घर जा रहे हैं बस। घर जा रहे, शिफ्ट हो रहे हैं यार, हॉस्टल छोड़ रहे हैं? वो तो ठीक है, शिफ्ट हो रहे तो हो रहे हैं, हाँ। तो थोड़ी बहुत दिक्कत है, घर जा रहे हैं। हाँ, घर जाने की खुशी है। ये देखिए रिदम को, रिदम, अरे इतना क्या शर्माना। कैसा लग रहा है? कल छोड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इंद्रपुरी में सारी हॉस्टल से लड़की होती है, ये सोच तो बहुत तेज हो रहा है, गाड़ियां लेके चलेंगे अपन लोग बिल्कुल। ये थोड़ा, हाँ, थोड़े रिस्ट्रिक्शन से मुक्ति मिल जाएगी। वही शिफ्टिंग की तैयारी, इतना ज़्यादा बैग वैग पड़े हैं, बट होना है अभी। और बाकियों के रिव्यू लेते हैं, चलो। ये जाने क्या चल रहा है, ओहो अभी यहीं खेलेंगे ये लोग। तेरी भाई रूम के ओनर यहाँ छुपे हुए कहाँ गए? क्या चल रहा है? तेरे कमरे की वाट लगा दी। ये देखिए जिसका रूम है वो कैसे रोते हुए। आखिरी खाना हॉस्टल में, सत्यम एंजॉय करते हुए खाने को पूरी तरह। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग खाना खाने आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए आज भिंडी की सब्जी बनी हुई है। वेल, स्पेशल कुछ नहीं बना, हम लोग जा रहे हैं आज। ये तो तैयार बैठा है, आधे एक घंटे में निकल जाएगा लौंडा, और ये भी शाम तक निकल जाएगा, ये भी, मैं भी कुछ 2-3 घंटों में। ये मैस में सभी बैठे हैं, सभी घर जा रहे हैं। देखिए सारे लोग, हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ, एक्चुअली हॉस्टल है तो मैं रहूँगी। तो मैं तो रेडी हो गया हूँ, पैकिंग भी हो गई, ऑलमोस्ट हो गई है। ये बैग्स वगैरह थे, थोड़े बहुत कुछ सामान बचा है जो कि रखना बाकी है, वो और रख लूँगा, फिर मेरी भी पैकिंग पूरी डन। बस अब निकलूँगा और फिर आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर लगेज रखा जो भी था, और ऑटो बुक की, एंड ऑटो बुक करके फिर हॉस्टल के लिए निकल गए। जैसे ऑटो यहाँ पे खड़ी है वैसे ही बुक की एक, और निकल गया था फिर मैं। आदि, तू जा रहा घर? घर जा रहा?
नहीं जा रहा। अच्छा अच्छा, आदि ने अभी ऑर्डर किया है। क्या 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 ऑर्डर किया है, क्या क्या ऑर्डर किया है, चीनी बताएगा। भेल, ऑल इन वन मिक्सचर, फरियाली मिक्सचर, रसमलाई, चिप्स, शक्कर पारे और मटरी। ओहो हो, इतनी सारी चीजें, वो भी सब सब हम और चीनू के लिए सर। हाँ सिर्फ हम दोनों के लिए, पूरा हम लोग खाएंगे। आज का क्या प्लान है बता। आज का मूवी का प्लान है सर। हाँ तो आज का प्लान ये है के सबको विदाई। हाँ मूवी टाइम, आज मुट्ठी बन के घुंगरी को तोड़ देगी तो बढ़िया। आज वो हम लोगों ने रसमलाई मंगाई है, रात को खाएंगे और होगा कुछ ना कुछ। हाँ चलेगा, बना भी रहा है तो बढ़िया है। आखिरी में बजाएंगे, अगर अच्छा बन जाएगा तो डालेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़िया आ चुका है। अब मूवी का डिसाइड होना है। इसने साले ने पुष्पा अकेले देख ली, ये देखो मैंने अकेले नहीं देखी, मैं रूम पार्टनर से मिलके देखी है, रूम पार्टनर्स के साथ मिलके देख ली और बड़ी क्वालिटी में देखी है। आपका जीई का एक्सपीरियंस किस तरह है जैसे तैसे निकले हैं, जैसे तैसे निकले, सही कह रहे हैं। और साइलेंट सिटी में आए हैं, पर ही निकल लेते सीधा। फिर ऐसा है, बंद कर दो अभी, हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल। ये हॉस्टल वहाँ पे है उस साइड, तो जाएंगे फिर मस्ती होगी। और आदि के आदि बताएगा कौन सी फिल्म चलनी है आज। और फिर बताते हैं, चलिए बाय बाय। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर ना तू जाए, सुबह के 5 बज रहे हैं। इस व्लॉग को एडिट करते करते 5 बज गए हैं और अभी भी थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है। इसको एडिट करने के बाद ये अपलोड हो जाएगा अभी। और इसको आप देखिए, बढ़िया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर लो यार, क्या जा रहा है, कर लो जल्दी सब्सक्राइब। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहेंगी इस चैनल पर, और बाकी पूरी स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने इसमें आपको कैंपस के बारे में दिखाया, एलएन सिटी कैंपस दिखाया है, हॉस्टल दिखाया है और हॉस्टल की मस्ती मजाक, कैंपस में घूमना हम लोगों का, शाम को टहलने जाना, दोस्तों के साथ मिलना, अकेले निकल जाते थे 7-8 लोग, जब लौटते थे तो 7-8 लोग साथ में रहते थे, बहुत मज़ा आता था। कैंपस लाइफ मस्त रहती है यार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। तेरे जैसा यार कहाँ।